तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स का। दीज बॉक्सिंग ग्लव्स आर अ वेरी गुड बजट फ्रेंडली ऑप्शन। अगर आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट इन बॉक्सिंग ग्लव्स और आप बस बॉक्सिंग करना शुरू करना चाहते हैं, पहले मैं आपको इनको पहन के दिखाता हूँ कि ये हाथ में पहन के कैसे लगते हैं। सो दीज बॉक्सिंग ग्लव्स आर वेलक्रो बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफकोर्स, एंड वेलक्रो का क्वालिटी इट्स प्रिटी डिसेंट इन माई ओपिनियन। आप इसमें ऐसे हाथ घुसाते हैं एंड देन यू tied around and this is how it looks in your hand. So this is how both of these boxing gloves look जब आप हाथ में पहनते हैं and जब आप boxing stance लेते हैं you will look something like this. मुझे अच्छे से boxing नहीं आता यार, मेरे को troll मत करो, मैं बस gloves review कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। So this is how they look. लुक्स के मामले में तो दिस बॉक्सिंग ग्लव्स आर 10 out of 10, देयर इज नो कंपैरिजन। बट अगर आप इस वेलक्रो का क्वालिटी देखें देन ये आपके रिस्ट पे उतना टाइटली नहीं बैठता, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं मैंने ये मैक्सिमम जो वेलक्रो जाता है उतना कर दिया है एंड स्टिल ऐसे आराम से एंड स्टिल मैं ऐसे अंदर 2-3 उंगली ऐसे आराम से घुसा दे रहा हूँ। तो रिस्ट के आसपास ये बॉक्सिंग ग्लव्स टाइट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा होल छोड़ देता है। तो हाथ में तो टाइट लगता है, हाथ में तो सिक्योर लगता है, बट रिस्ट में उतना अच्छा आपको फील नहीं होता। अब माइंड यू गाइस, मेरे रिस्ट बहुत ही पतले है यार, बिकॉज आई एम अ वेरी स्किनी गाई, बट आई थिंक इसका जो वेल्क्रो का ये जो लेंथनिंग है ये काफ़ी छोटा है, बिकॉज अगर आप इसको पूरा भी दे फिर भी यहाँ पे बहुत सारा स्पेस रह जाता है। सो दिस इज अ बिग फ्लॉ विद दिस बॉक्सिंग ग्लव्स। यार आई वुड लाइक टू टेक 1 मिनट एंड आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप एक अच्छा वे प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर इनटू बॉक्सिंग, इफ यू आर इनटू वेट लिफ्टिंग, यू नीड अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन अगर आपके प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस अ वेरी गुड बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन विल बी दिस फास्ट एंड अप वे एडवांस्ड। दिस वे प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रास फेड यूरोपियन काउस, तो प्रोटीन का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। इस प्रोटीन के हर एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 5.5 ग्राम नेचुरली ऑकरिंग BCAA मिलता है और 4 ग्राम ग्लूटामिन मिलता है। ये वे प्रोटीन डिराइव किया गया है थ्रू क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी विच इज वेरी वेरी गुड टू गिव द वे प्रोटीन अ वेरी गुड टेक्स्चर। और ये वे प्रोटीन का जो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन है वो भी इम्प्रूव करता है बाई कीपिंग दी लैक्टोस लेवल्स डाउन। आपके पास बहुत सारे वे प्रोटीन के वेरिएंट है, बट आज मेरे पास है वे एडवांस्ड विच इज बेसिकली आइसोलेट प्लस हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। मतलब अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है देन ये आपके शरीर में बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आई एम अ लैक्टोज इंटॉलरेंट गाइज और ये वे प्रोटीन खा के मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इफ यू वॉन्ट अ वेरी बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन गाइज आई वुड हाईली रिकमेंड फास्ट एंड अप्स। मेरे पास जो वे प्रोटीन है दैट इज क्रीमी कॉफी, बट उनके पास और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है लाइक रिच चॉकलेट एंड वनीला। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन और इफ यू आर अ स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ वेरी बजट फ्रेंडली बट वेरी गुड क्वालिटी वे प्रोटीन, देन आई कैन रिकमेंड यू फास्ट एंड अप्स वे प्रोटीन। एंड मेक श्योर टू यूज माई कूपन कोड फॉर एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक आपको मिल जाएगा। वन गुड थिंग अबाउट दिस बॉक्सिंग ग्लव इज कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैश सा टेक्सचर दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या करता है, आपके हाथ को स्वेट फ्री रखता है व्हेन यू आर बॉक्सिंग, बिकॉज आपके हाथ बहुत ही स्वेटी होंगे जब आप बॉक्सिंग कर रहे होंगे। इन माय एक्सपीरियंस गाइस आपके हाथ को पूरा तो स्वेट फ्री ये नहीं रखता, बट जितना एक प्रॉपर लेदर बॉक्सिंग ग्लव रखेगा उससे काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट ये सब कुछ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ये आपके हाथ को कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। अभी मैं आपको इसका पंचिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ ऑन दिस कॉन्क्रीट वॉल। मेरे फॉर्म को जज मत करना। एज यू कैन सी इसका जो पैडिंग है दैट इज वेरी वेरी गुड। अमेजोन पे मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े थे कि इसका पैडिंग उतना अच्छा नहीं है कि आपके हाथ टूट जाएंगे, बट एज यू कैन सी मैं पूरा पावर से कंक्रीट को पंच कर रहा हूँ एंड फिर भी मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा। सो इन टर्म्स ऑफ पैडिंग आई कैन सेफली से कि ये पैडिंग के मामले में बहुत ही अच्छा है। इसका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इज इट्स प्राइस। इसका प्राइस है सिर्फ 550 रुपये। इज वेरी वेरी चीप कंसिडरिंग द क्वालिटी के मामले में इट इज़ डिसेंट, ठीक है। आपके हाथ को पंचेस से बचाएगा। एज आई सेड कि इसका जो रिस्ट का जो वेलक्रो है इट इज़ नॉट टाइट अराउंड योर रिस्ट, बट मैं जब बॉक्सिंग करता हूँ ये मेरे हाथ से ऑटोमेटिक खुल नहीं जाता, तो वो फियर आपको नहीं है। बट आई वुड हैव लाइक कि ये मेरे रिस्ट में थोड़ा सा और टाइटली बैठे।
पर इसका जैसा आप पैडिंग देखें, पैडिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप एक रिक्रिएशनल या फिर बिगिनर बॉक्सर है, इट वोंट बॉदर यू डैट मच। आई डू वांट टू से वन थिंग कि अगर आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर है या फिर आपको बॉक्सिंग बहुत अच्छे से अच्छी आती है, देन यू शुड नॉट बाई दिस ग्लव्स, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा डेली विगरस बॉक्सिंग करेंगे, देन आई डोंट थिंक दैट दीज ग्लव्स विल लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके लिए आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक एट USA's बॉक्सिंग ग्लव्स। बट फॉर रिक्रिएशनल बॉक्सिंग एंड बिगिनर बॉक्सर्स, दिस बॉक्सिंग ग्लव्स इज परफेक्ट फॉर यू। अगर आपका बजट कम है, अराउंड 500 से 550 रुपये है, ये बॉक्सिंग ग्लव्स मेरे को अराउंड 500 रुपये के पड़े थे 6-7 महीने पहले। अभी इसका प्राइस है 550, अभी भी प्राइस काफ़ी काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग दी क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। इन माई ओपिनियन गाइस, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी बॉक्सिंग ग्लव। एंड अगर आपको ये खरीदना है, देन मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, यू कैन गो डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम Amazon। अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे, देन आई विल ऑल्सो गेट अ स्मॉल कमीशन फॉर रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू यू, विच विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट द चैनल। बिकॉज ये जो आप मेरे होम जिम में जो भी कुछ देख रहे हैं, राइट, ये सब कुछ मुझे मेरे खुद के पैसों से खरीदना पड़ता है, बिकॉज कंपनीज कुछ भी सेंड नहीं करते रिव्यू के लिए, सब कुछ ऑलमोस्ट खुद के पैसे से ही खरीदना पड़ता है यार। तो यार थोड़ा मेरा लिंक यूज़ करके कुछ खरीद लो यार, भगवान भला कर देगा। ऑल्सो गाइज, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करने के लिए वेट कर रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूँ। बट एज आई सेड कि ज़्यादातर कंपनीज मुझे कुछ भी रिव्यू करने के लिए सेंड नहीं करती, वो मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं करते, तो मेरे को खुद के पैसों से ज़्यादातर चीज़ें खरीद के फिर रिव्यू करना पड़ता है। और मैं यार लाखों में नहीं कमाता, एज यू नो होम जिम इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मैं उतना ज़्यादा नहीं कमाता कि मैं हर महीने 20-30-40,000 के इक्विपमेंट खरीदता रहूँ यार। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, आई विल ब्रिंग यू गाइज विद द बेस्ट इक्विपमेंट रिव्यूज पॉसिबल। अगर आपको एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन ढूंढ रहा है, देन चेकआउट फास्ट एनअप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी अगर आपको ये स्क्वाट रैक, ये बारबेल, ये वेट प्लेट्स कुछ का भी रिव्यू देखना है, देन गो चेकआउट दिस प्लेलिस्ट राइट ओवर हियर, सब कुछ का रिव्यू मिल जाएगा। बाय बाय।